दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगे हैं। दिल्ली पर लिखा, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। दिल्ली के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में ये पोस्टर आपकी टीवी स्क्रीन पर, पोस्टर पर लिखा है बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्टर लगाई है, और साथ ही आप देख सकते हैं कि पोस्टर पे साफ साफ लिखा है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो दिल्ली में बीजेपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगे हैं। इन पोस्टरों में साफ लिखा है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ये पोस्टर लगाए हैं। तो वही दफ्तर पर लगे पोस्टर को लेकर बीजेपी का बयान। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बयान दिया, ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, पोस्टर पर लिखा नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे, जनता दिल्ली सरकार को हटाना चाहती है, भ्रष्टाचार से परेशान है दिल्ली की जनता। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, जनता दिल्ली का विकास चाहती है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां वीरेंद्र सचदेवा ने ये कहा है, ये पोस्टर जो है और ये नारा जो है वो दिल्ली की जनता की आवाज है। पोस्टर में लिखा है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे, जनता दिल्ली सरकार को हटाना चाहती है। ये बातें वीरेंद्र सचदेवा की ओर से कही गई हैं। दिल्ली की जनता की आवाज है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों उससे बहुत परेशान है। ये वो सुविधाएं हैं जो आम जीवन में लोगों को प्रभावित करती हैं, और लोग अब चाहते हैं कि दिल्ली विकास के रास्ते पर चले, क्योंकि दिल्ली को बद से बदहाल करने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किया है, और दिल्ली को खुशहाली और विकास के रास्ते पर ले जाने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनेगी तभी हो सकता है। इस भाव के साथ लोगों ने ये नारा दिया है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे।